सबको जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर हम आपके वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, तो आप हमारी मदद करिए प्रभु जी। जो कुछ आप हमें सिखाना चाहते हो वो हम सब सीखने के लिए आप हमें हमारी सहायता करिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांग रही हूँ, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। आइए अभी हम अच्छे से गाना गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। लॉर्ड, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे ईशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे ईशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे ईशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे ईशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबको जय मसीह की। आज हम संदेश में जाने से पहले प्रार्थना करके संदेश में जाएंगे। सब लोग आंखें बंद करो, आई एम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग में रहने वाले महान पिता परमेश्वर, अब तक हमें संभाला इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अभी जो मैं बोलने वाली हूँ पिता परमेश्वर, जो अभी गेल के बारे में बताने वाली हूँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के सहायता से बोलने के लिए आप मेरी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। सुनने वाले हर एक को पिता परमेश्वर समझने के लिए अच्छा बुद्धि ज्ञान दीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन। तो आज हम अबीगेल के बारे में जानेंगे। अबीगेल नाम के दो स्त्रियां हैं बाइबल में, एक दाऊद की बहन
और दूसरी जो अभी हम जानने वाले हैं उनके बारे में। तो ये अबीगेल, उनका जीवन में वो कैसे थी, कैसे वो अपना जीवन बिताई, उनके बारे में जानेंगे उनसे, और हम क्या सीखेंगे वो भी हम जानेंगे। पहला शमूएल 25वां अध्याय में दूसरा वचन से अबीगेल के बारे में लिखा गया है। अभी तक पहली हम बात गाना इनके गा के बारे में क्या प्रभु की लिखा स्तुति है, अगर किए हम हैं ना, तीसरा वचन में और तो पढ़ेंगे अभी तो हम एक सुंदर सा वचन स्त्री सुनने तो के लिए जा बुद्धिमान रहे हैं। और तो हमारे बीच रूपवती थी। में अनीता क्या सिस्टर लिखा है, वो गया हमको कि अक्सा के बारे में अबीगेल बताएंगे। बुद्धिमान और रूपवती है। बुद्धिमान मतलब अंदरूनी सुंदरता, यानी गुण, उनके अंदर जो गुण है उनके बारे में बुद्धिमान करके लिखा गया है। और रूपवती, वो सुंदर भी थी, और उनका पति कैसे है और वो कैसे घराने की है हम जानेंगे। तो ऊपर से दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत ही धनी था, और उसकी 3,000 भेड़े और 1,000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतरा रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। यहाँ पर अबीगेल एक धनी व्यक्ति की पत्नी है। उनका 3,000 भेड़े और 1,000 बकरियां, ऐसे उनका बहुत सारा संपत्ति था। उनके पति का नाम नाबाल था। तो क्या हुआ, एक दिन नाबाल अपना भेड़ों का ऊन कतराने वाला दिन आता है, जब बहुत खुशी का दिन रहता है, त्योहार के जैसे वो दिन मनाते हैं। तो नाबाल अपना भेड़ों का ऊन कतरा रहा था, तब दाऊद ने अपना दासों को भेजा नाबाल के पास, क्योंकि नाबाल के भेड़ों को करमेल में दाऊद के दास संभालते थे, वो भी इनका भेड़ उनका भेड़ साथ में वो लोग संभालते थे। तो इसीलिए दाऊद ने सोचा कि कुछ आज तो अच्छा खुशी का दिन है नाबाल के पास, नाबाल के लिए, तो वो कुछ मदद करेगा करके अपने जवानों को, अपने दासों को नाबाल के पास भेजा दाऊद ने। तब उन्होंने आकर उनसे पूछा कि दाऊद ने हमें भेजा है, तो आपके पास जो कुछ भी है हमें मदद कीजिए करके नाबाल से पूछा। तो नाबाल बहुत कठोर से बात करता है, वही 10वां वचन में हम देखेंगे। तो नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है, इशे का पुत्र कौन है, ऐसे वो कौन है दाऊद करके वो इनकार करता है। वो जानते हुए भी ऐसा बात करता है, बहुत अहंकार से वो बात करता है, और मेरा जो भी है संपत्ति मैं उसको दूँ क्या, ऐसा नाबाल बात करता है। तो उनके दास जाकर दाऊद को बता देते हैं कि नाबाल ऐसे बात किया, और एक दास आकर फिर दाऊद क्या करता है कि दाऊद को बहुत गुस्सा आता है, मैंने उसे अच्छा किया तो अच्छे के बदले वो मेरे साथ बुराई कर रहे, ऐसा सोच के दाऊद 400 सैन्य जवानों के साथ तलवार लेकर नाबाल का वंश को खत्म करने के लिए, नाबाल के परिवार में जितने भी उन्हें मारने के लिए निकल आता है। तो तब यहाँ पर एक दास आकर अबीगेल से कहता है कि हमारे हमारा जो मालिक है वो दाऊद का जो दास आए थे उनसे बहुत कठोर से बात किया, उन्होंने हमें जंगल में हमारे भेड़ों को कुछ नहीं होने दिया, हमें भी कुछ नहीं होने दिया, उन्होंने हमें अच्छा संभाला था कर अबीगेल से कहता है। तब अबीगेल क्या करती है, अगर हम 18वां वचन में देखेंगे तो 18वां वचन में, तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 500 भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छा किशमिश और अंजीर के 200 टिकिया लेकर गधे पर लदवाई। मतलब ये सब बनवा कर अबीगेल क्या सोची,
दाऊद के पास भेजेंगे, ऐसा सोची। जब विपत्ति आ रहा है अपने परिवार पर, तो अबीगैल क्या की, वो प्रार्थना करने नहीं लगी, वो रोने नहीं लगी, अभी क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं सोची। वो जब भी क्या करना चाहिए फुर्ती से वो करके वो विपत्ति टालने का कोशिश की। तो ये अबीगैल में फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। तो हम भी अपने परिवार पर कुछ विपत्ति आने वाला है तो हम क्या करना चाहिए, तभी के लिए क्या अच्छा है वो करना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर का भी महिमा हो और किसी का बुरा भी नहीं हो, तो हम भी फुर्ती से हमेशा काम करना चाहिए। फिर दाऊद को ढूंढ कर वहां पर जाती है, गधे पर चढ़कर दाऊद को देखकर उतर कर गधे से क्या करती है, दाऊद के पैरों को दंडवत करती है। यहाँ पर दूसरा अगर बात हम देखेंगे तो अबीगैल में क्या है, दीनता है। वो एक दाऊद के सामने उसके पैरों को दंडवत की, नीचे उतर कर, इतना धनी का धनवान की बीवी होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीनता दिखाया दाऊद के सामने, वो दंडवत की। हम भी दीनता से रहना चाहिए हमेशा, एक दूसरे के साथ, हम अच्छे हैं, हम अच्छे घराने के हैं, मैं क्यों दीनता से रहूं, ऐसा हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसा नाबाल में था अहंकार, वैसा उनके पत्नी में अबीगैल में नहीं था अहंकार। तीसरा बात हम अगर देखेंगे तो 2500 वचन में वो क्या कि अपना पति का गलती वो मान रही है, दाविद के सामने बोल रही है कि ये नाबाल तो ऐसा ही है, तो इसका नाम जैसा है तो उसका बर्ताव भी वैसा ही कर वो अपना पति का गलती मान रही है, छिपा रही नहीं है। परमेश्वर कहता है जो कोई गलती मानता है उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह होगा, और जो कोई छुपाता है वो शिक्षा का पात्र होता है। तो वैसा ही अबीगैल क्या कर रही है, अपना पति का गलती मान रही है। हम भी हमारा गलती जो भी है मानना चाहिए, हमारे घर वालों का कुछ गलती रहेगा तो भी परमेश्वर में अच्छा चल रहे या ना चल रहे तो वो भी गलती हम परमेश्वर के सामने मानना चाहिए। और चौथी बात उनमें देखेंगे तो 28वां वचन में कि वो अपनी दासी का अपराध क्षमा कर करके दाऊद से कह रही है, क्षमा का गुण है उनमें, क्या कर रही है, क्षमा करो करके वो पूछ रही है दाविद से। गलती मानना अलग है और क्षमा मांगना अलग है, क्षमा मांग रही है वो। हम भी कभी कभी किसी से कुछ गलत करते हैं और माफी मांगने बहुत इतराते हैं, बहुत हम सोचते हैं मैं क्यों माफी मांगू, वो माफी मांगे ऐसा, मगर क्षमा मांगने से क्या होता है, परमेश्वर वहां पर उनका जो जो हमसे दूर रहते उन्हें मिला देता है। तो क्षमा मांगना चाहिए हमेशा, हमें ये क्षमा मांगने का जो गुण है वो हमारे अंदर रहना चाहिए। और पांचवा हम अगर देखेंगे तो वो क्या की थी, वो सब बनवाई थी, जो जो अनाज ये सब बनवा कर अंगूर ये सब क्या किए, धन्यवाद के रूप में दाऊद के पास लाए। वहां पर 27वां वचन में हम देखेंगे तो ये जो मैं लाई हूँ वो बैठ तो ग्रहण कर करके दाऊद को कह रही है कि धन्यवादित है वो। दाऊद ने अपने हमारे बेड़ों को संभाला और ये सब उनके वजह से हम अभी इतना खुशी का दिन मना रहे हैं, ये सब सोचकर वो क्या कि धन्यवादित है, धन्यवादित के रूप में वो सब लाकर दाऊद को दे रही है। तो हम भी क्या करना चाहिए, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें भी कोई मदद करते हैं तो उन्हें भी धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का। तो हमेशा हम दिन रात धन्यवादित करते ही रहना चाहिए क्योंकि वो हमें हर पल संभालते हैं। तो हमने क्या सीखा अबीगैल के जीवन से कि वो पहला क्या है उनमें कि वो फुर्ती से काम करती थी, जब भी क्या करना चाहिए वो समझ कर वो काम की, और दूसरे वो दीनता से रहती थी, दीनता दिखाई दाऊद के सामने और अपने अपराध मान ली, उनका पति जो किया वो अपराध वो मान ली। और चौथा वो
क्षमा कर करके क्षमा गुण दिखाए और धन्यवादित होने का वो भी भेंट लाकर वो दिखाए। तो इस सब देखकर दाऊद ने क्या बोला, 33वां वचन हम देखेंगे तो, और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। क्या कह रहा है तू, तेरा विवेक धन्य है, तू धन्य है क्योंकि तू मैं आज खून करने वाला था, पूरा जितने भी लोग थे नाबाल के घर में उन सभी को मैं मारना मारने वाला था, तू रोक दिया कर उसको प्रशंसा कर रहा है दाविद। तो यहाँ पर क्या उन्होंने ये सब करने से रोका, मतलब यहाँ पर उनका विवेक, अबीगैल का विवेक यानी वो बुद्धि से काम की। हमें भी ऐसा बुद्धि चाहिए तो हम क्या करना चाहिए, अगर हम देखेंगे तो कुलसियों का पत्री, कुलसी दूसरा अध्याय तीसरा वचन, कुलसियों की पत्री में दूसरा अध्याय तीसरा वचन में हम देखेंगे तो, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। यहाँ पर किसके बारे में बोल रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में, जिसमें बुद्धि और ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। वो यीशु मसीह को अगर हमारे जीवन में हम रखेंगे, उनके बातों के अनुसार चलेंगे तो हमें भी बुद्धि मिलेगा, कभी क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमारा बर्ताव कैसा करना चाहिए, ये सब हम सीख सकेंगे। तो हमेशा हम यीशु मसीह का जो बातें हैं उनके अनुसार हमें चलना है। यीशु मसीह को अपने जीवन में हर रोज हमें ध्यान करके उनके बातें पढ़ना है, उनके अनुसार हमें चलना है। तो हम भी एक बुद्धिमान स्त्री के जैसा हम भी हम चल सकेंगे, हमारे परिवार को हम चला सकेंगे बुद्धिमान से। तो ये संदेश यहाँ पर ही मैं समाप्त करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ऐ स्वर्ग में रहने वाले महान पिता परमेश्वर, अब तक हमें संभाला, हमें चलाया पिता परमेश्वर, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। बाइबल में जितने भी लोगों के बारे में लिखा है पिता परमेश्वर, हमारे लिए पिता परमेश्वर, हम भी कुछ ना कुछ उनसे सीख कर पिता परमेश्वर उसके अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर हमें इतना अच्छा मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये संदेश जो भी सुना पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीष देने के लिए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिता। आमीन।